नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज 9 में। उत्तर प्रदेश की खबरों पर एक नजर। बेखौफ हुए बदमाश दिन दहाड़े शहर कोतवाली मिर्जापुर में। सामने पान विक्रेता और माली को दौड़ाकर गोली मार दी। शहर कोतवाली के बाहर होती रही फायरिंग, सोती रही पुलिस। घायलों को लेकर मंडलीय अस्पताल पहुंची पुलिस। 3 गोली लगने वाले माली को हुई मौत। पान विक्रेता गंभीर रूप से घायल, हालत खराब है और ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भेजा गया है। एक आरोपी कौशल है, शहीद होमगार्ड ने पकड़ा, दूसरा फरार हो चुका है। जमीनी विवाद को लेकर के ये वारदात हुई। आपको बता दें कि योगी सरकार में बेखौफ हुए बदमाश। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। नहीं, पर किसी ने मार दिया। रहने वाले कहाँ? कहाँ हुआ घटना? माला फुल दुकान लगाते हैं, माला फुल अभी वहाँ पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। किस जगह पे दुकान लगाते हैं? कोतवाली के पास। कौन मारा है? ये सब अभी ज्ञात नहीं है। कितने लोग के लगी ये गोली? मालूम पड़ा है, 2 लोग थे मोटरसाइकिल। क्या स्थिति है इस समय हम लोगों की? स्थिति तो हम लोग अभी हम लोगों को नहीं पता है। अभी तो हम लोग यहाँ अस्पताल में हैं। क्या नाम है आपके चाचा का? क्या नाम है चाचा का आपके? लोकीनाथ माली। ठीक। ये क्या मामला है? हमारे बड़े भैया है, हम अपने दुकान पे कुछ काम कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि कहीं फायरिंग की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो हम सड़क पर से उतरे, मतलब यही है मेरा मोहल्ला, यहीं से बाहर आए और इसको देखे हाथ में असलहा और हम तुरंत भागे। हमारे साथ 4 लोग शटर तुरंत गिरा के अंदर हो गए। अपने घर पे फोन किए कि फोन ताला बंद कर लो, चैनल पे कोई उठाए नहीं। और इसने तुरंत हमारे सामने भैया ने देखा है, ये हमारे ऊपर रिवॉल्वर ताना है और संजोकर इसकी गोली खत्म हो गई, मैं तो हमको मार देता। ये क्या ज्यादा फायरिंग किया है? कितनी फायरिंग? ज्यादा फायरिंग किया, 2 लोग घायल हुए। हमारे एक मल्ली चाचा है, भुजबाग चौकी के रहने वाले हैं, उनको गोली लग गई है और एक बंदे को और लगा है, लेकिन उनका मालूम नहीं है कि किसको लगा है। ये शहर कोतवाली के ठीक सामने, एकदम ठीक सामने हुआ है। आतंक ही आतंक मचा रखा है पूरे परिवार वालों ने। कौन है ये लोग? ये संजू नाम है इनका और पूरा आतंक मचा रखा है। कौन सा तमंचा था? लाइसेंस? ये तमंचा दीवानगी के बाद जब्त हो गया है। शायद मैगजीन पिस्टल था वो, एक 2 मैगजीन लगी थी, खाली हो गई थी। कितने लोग घायल हुए? 2 लोग को गोली लग चुकी है और बाकी सब तो अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कितने राउंड हवाई फायरिंग की? सर, शहर कोतवाली के सामने क्या क्या है पूरा मामला? कोतवाली थाना अंतर्गत एक गुदड़ी गली है, उसमें एक माला फूल बेचने वाले को गोली मारी गई है और उसमें एक व्यक्ति और घायल हुआ है जिसको कि रेफर किया गया है वाराणसी। तो ये आपसी कुछ जमीन के विवाद को लेके कुछ रंजिश थी, तो एक संजय सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा जो है गोली मारी गई बताई जा रही है। और दोनों ही बहुत ही निम्न आर्थिक वर्ग से संबंधित हैं और इनके बीच में क्या हुआ विशेष अभी हम लोग अब अरेस्टिंग का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि असलहा वगैरह बरामद हो जाए, किससे क्या हुआ है और साक्ष्य भी इकट्ठा कर रहे हैं आखिर ये विवाद हुआ क्यों इनका। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि बता रहे हैं लोग कि इन लोगों का लोहदी कला में कोई जमीन को लेके कुछ रंजिश थी और उस मारने वाले व्यक्ति को ये भ्रम था कि ये उसकी जमीन है या जो भी हो, वो तो विधिक प्रश्न है, न्यायालय तय करेगा। आज मुकदमे में तारीख भी थी और इसी को लेकर शायद ये गोली मारी गई है, लेकिन विस्तृत साक्ष्य हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। जो मारा है वो दबंग टाइप है क्या? बताते मोहल्ले में आए दिन आया तंग फैलाए रखा। अभी सारी चीजें बाद में पता चलेगी, अभी तो जस्ट एक घटना हुई है और हम लोग उस पर सारे बिंदुओं पे देख रहे हैं। ऐसा कोई दबंग मिर्जापुर मेरे ख्याल से नहीं है जो कि फायरिंग करता चलता हो, लेकिन फिलहाल अगर कोई बात आई है तो हम उसको अकेले मारा है कि भाई लोग साथ थे और लोग फायरिंग किए? हाँ, बता रहे हैं कि उसके साथ कोई एक और था लेकिन फायर तो एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया। कितनी गोलियां चली? 2 लोगों को गोली लगी, निश्चित रूप से 2 गोली चली है और लेकिन असलहा एक ही है शायद। ठीक है, धन्यवाद।